हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ मक्की के आटे के बहुत ही स्वादिष्ट नमक वाले निमकी, जिसे आप चाय के साथ बहुत ही चाव से खाएंगे। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ये नमक पारे, जिसे निमकी भी बोलते हैं। तो मैंने एक कप लिया है ये, एक कटोरी लिया है मैंने ये मक्की का आटा कॉर्नफ्लोर, और एक कटोरी लिया है मैंने ये आटा नॉर्मल जिसे रोटी लगाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो मैंने आटा लिया है व्हीट फ्लोर। और एक चम्मच लिया है मैंने ये कसूरी मेथी, हाफ स्पून लिया है जीरा, हाफ स्पून ही ली है अजवाइन, और 2 बड़े चम्मच लिया है मैंने ये तेल मोइन के लिए, और टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 1 चम्मच जाएगा इसमें सॉल्ट, और गुनगुना पानी लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम मक्के के आटे के नमक पारे बनाने के लिए इसका डो बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये मक्के का आटा लिया है जिसको मैंने छान लिया है, तो मक्के का आटा डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे ये गेहूं का आटा। गेहूं का आटा मैंने डाल दिया है और इसके बाद मैंने जो कसूरी मेथी लिया था, कसूरी मेथी का नमक पारे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है एकदम मार्केट जैसी। तो मैंने ये 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है और हाफ स्पून जीरा लिया था और हाफ स्पून ही ली है मैंने अजवाइन। तो अजवाइन को थोड़ा सा हम इस तरह से क्रश करेंगे और तब डालेंगे, और हाफ स्पून इसमें जाएगा सॉल्ट, तो नमक डाल देती हूँ हाफ स्पून, और ये लिया है मैंने तेल लिया है ऑयल, और इसको डालती हूँ मैं, ये 2 चम्मच है तो मैं इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल लेती हूँ। और पहले हम इस सब को कर लेंगे मिक्स, और इसको मिक्स करने के बाद मैं जो मैंने गुनगुना पानी लिया है उससे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक पूड़ी वाला आटा बनाएंगे, टाइट वाला आटा। तो हम इसका आटा बना लेते हैं, और आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, एक साथ पानी ऐड ना करें। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका एक टाइटो बनाना है, और टाइट से ही एकदम कुरकुरे बनेंगे इसके जो नमक पारे हैं। अगर आपने आटा सॉफ्ट लगा लिया तो वो सॉफ्ट ही बनेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका एक पूड़ी वाला आटा बना लेती हूँ। तो मैंने आटा लगा के कर लिया है एकदम रेडी, और देखिए आटा एकदम जैसे पूड़ी का आटा होता है सेम ऐसा ही लगाया है। आपको थोड़ा सा आटा इसका टाइट रखना पड़ेगा तभी इसके एकदम कुरकुरे बनेंगे। और आटा भर के हो चुका है रेडी, तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रख के छोड़ देती हूँ पहले। तो 5 मिनट हो गए हैं और आटा हो गया है एकदम सेट। तो थोड़ा सा चिकना ऐसे भी और कर लेती हूँ, तो 2 मिनट के लिए भी इसे थोड़ा सा पहले चिकना कर लेती हूँ। और देखिए आटा एकदम चिकना हो गया है, तो हम इसके लोइयां बना लेंगे। तो मैं इसकी लोइयां बना लेती हूँ, तो मैंने इसकी 4 लोइयां बनाई हैं और इसके ऐसे बना लेते हैं। तो मैंने इसके 4 बॉल बना लिए हैं, अब इसको बेल के हम इसके नमक पारे बनाएंगे। तो इसके लिए ले लिया है मैंने चकला, तो चकले पर थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे ताकि आटा इससे चिपके ना, और इसको पतला बेल लेते हैं जिस तरह से रोटी होती है पतला बेलेंगे। जितने पतले होंगे ये उतना ही ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे, तो मैं इस तरह से इसे पतला बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एकदम पतला बेल लिया है, जिस तरह से हाँ बिल्कुल पतला बेला है। और इसको बेलने के बाद में ये मैंने एक कटोरी ली है और इसके ही साइज के मैं इसमें काटूंगी गोल, इसी की शेप के काट लेते हैं। आप कोई भी ढक्कन का यूज कर सकते हो, बोतल का ढक्कन भी यूज कर सकते हो। और मैं इसमें इसी में मैंने फोक लिया है, फोक से इसमें थोड़े थोड़े होल बना लेती हूँ ताकि ये पूड़ियाँ फूले ना। अगर ये फूलेंगी तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी, इनसे फूले ना थोड़ी थोड़ी ये कुरकुरी बनेंगी इससे। और इसका जो ओवर पार्ट है उसे हटा लेते हैं, और इस तरह से हम सारे अपने निमकी बना लेते हैं मक्के के आटे की। इसमें होल बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसमें फूलेगी नहीं, तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, एकदम टाइट हो जाएगी। तो सारी निमकी बनके हो गई हैं रेडी, अब इनको करेंगे फ्राई। तो ऑयल गरम करते हैं पहले।
तो फ्लेम हमने चालू कर दिया है, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल दिया है हमने ऑयल, और ऑयल होने वाला है गरम। तो एक छोटा सा बॉल बना के आटे का चेक कर लेते हैं। तो ऑयल गरम हो गया है, तो अब हम डालेंगे इसमें अपने मक्के के आटे की निमकी, और जितनी एक बार में आ जाए आराम से उतनी आप डाल दीजिए। और आपको इन्हें मीडियम फ्लेम पर और लो फ्लेम पर धीरे धीरे सेकना है, ताकि ये थोड़ी कुरकुरी हो जाए। स्टार्टिंग में आप अपना फ्लेम हाई रखिए, और सारी जो निमकी है डालने के बाद में आप लो कर दीजिए, और धीरे धीरे इनको आप सिकने दीजिए, ताकि एकदम ये क्रिस्पी कुरकुरी हो जाए। बहुत ही टेस्टी लगती है मक्के के आटे की निमकी। तो हम इनको सेक लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। जब ये गोल्डन हो जाए, तब आप इनको अलट पलट के अच्छे से सेक लीजिए, और इनको धीरे धीरे सिकने दीजिए। तो मैंने अपना जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर रखा है, कभी लो कर रखा है, ताकि ये धीरे धीरे एकदम कुरकुरी सिक जाए। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है, और 5-6 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। सारी निमकी हो चुकी है सिक के रेडी, और आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलर आया है, बिल्कुल क्रिस्पी बनी है एकदम। तो जो बाकी बची थी उसको भी मैंने सेक लिया है, और देख सकते हो बहुत ही सुंदर कलर है, और एकदम सिक्के हो गई हैं एकदम रेडी। और मैंने सबको मीडियम फ्लेम पर और लो फ्लेम पर सेका है। तो फ्लेम कर दिया है मैंने बंद, और जो भी ये है सबको मैं निकाल के एक प्लेट पे रख लेती हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम फर्स्ट क्लास। तो सबको सेके कर लिया है मैंने रेडी, और बहुत ही अच्छी मक्के के आटे की खस्ता नमक पारे बन के रेडी हुए हैं। और मैं आपको इसमें से एक तोड़ दिखाती हूँ, और आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही एकदम, आपको एकदम आवाज आ रही होगी टूटने की, बहुत ही खस्ता बने हैं। और आप बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इनको बच्चों के लंच में रख सकते हो, आप इसे चाय के साथ खा सकते हो, आपका कोई घर से बाहर का जो गेस्ट आता है, आप उसके लिए चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे सफर में ले जा सकते हो। और मैं आपको एक और तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही खस्ता बनी है एकदम। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।